तड़प ये इश्क के दिल से सही नहीं जाती कि जान दे के भी दीवानगी नहीं जाती। न जाने कौन सी दुनिया है वो मेरे रब्बा, जहां से लौट के कोई सदा नहीं आते। देखिए मेरी सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली जो गजल है, हालांकि गाया तो उसको खास साहब ने है, उस्ताद गुलाम अली साहब ने, इसको एक नया रंग देने की कोशिश की है मैंने कि एक गली से एक लड़की बुरखा पहन के गुजरती है और उसे देखकर एक लड़का कहता है, ऐ पर्दा नशी अपना पर्दा हटा, मेरे मोहब्बत को कबूल कर अपना जलवा दिखा। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया है। एक दिन लड़के ने कह दिया, दो दिन तीन दिन चार दिन बीत गए तो एक दिन लड़के ने कहा कि ऐ पर्दा नशी अपना पर्दा हटा, मेरे मोहब्बत को कबूल कर अपना जलवा दिखा, वरना मैं खुदकुशी कर लूंगा सिर्फ एक झलक पाने के लिए। अगले दिन जब वो लड़की उधर से गुजरी तो उसे वो लड़का नजर नहीं आया। उसने पूछा कि एक लड़का यहाँ रहता था, मुझे रोज कहता था ऐ पर्दा नशी अपना पर्दा हटा, आज वो कहाँ है, दिख नहीं रहा है। किसी बुजुर्ग ने बताया कि कल रात उसने खुदकुशी कर ली, वजह क्या थी नहीं पता। तो वो उसके कब्र पे जाके कहती है, ऐ मेरे गुमनाम आशिक ले आई हूं तेरे मजार पर, ले रुख से नकाब हटाती हूं अपना, जी भर के मेरा दीदार कर। बात यही खत्म नहीं हुई, कब्र से आवाज आई, ऐ खुदा ये तेरा कैसा इंसाफ है, ऐ खुदा ये तेरा कैसा इंसाफ है कि आज मैं पर्दे में हूं और वो बेनहज जाती है। याद 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 बस याद रह जाती है। मेरे साथ वायलन पे हैं संचित चौधरी भाई, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। गिटार पे मिलिंद शेवड़े जी हैं, कीबोर्ड पे हमारे साथ सौंदर्य सिंह बॉबी हैं, तबले पे आकित खान साहब हैं और परकशन पे गौरव पांडे जी हैं। तो एक बार इन लोगों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। करके तन्हा ये जिंदगानी, तुम गई छोड़ के कहानी, अब ये आंसू पिया न जाए, बिन तेरे अब जिया न जाए। दर्द से टूटती मेरी सांसें, जख्म दिल का सिया न जाए। आगे की लाइन आप लोग बताएं। मैं दैनिक भास्कर वालों से कहूंगा कि अगली बार आप लोग इनसे कॉन्सर्ट कराया करो, कोई जरूरत नहीं है। राजस्थान के बारे में कहा जाता है कि राजस्थान की
झिटकी भी बोलती है, पत्थर छोटी सी होती है ना, इतनी सुरीली धरती है ये। तो एक बार आप लोग अपने लिए जोरदार तालियां बजाते, हम लोग भी बजाते आपके लिए। गाने के बीट पे आप लोग तालियां बजाएंगे जैसे स्टार्ट हो। आजा जा मेरी वफा तुझे बुलाती है, बेकरारी बन के हमें तड़पाती है। याद 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 बस याद रह जाती है, याद 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 बस याद रह। आप लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा ना, आए हो आप तो फिर हम लोगों से क्यों गवा रहे हो? नहीं, आप लोग बड़े सुरीले हैं इसलिए गवा रहे हो। मैं जब आज आया था तो हमारे कुछ न्यूज रिपोर्टर भाई लोग आए थे इंटरव्यू लेने। बड़ा सुलझा हुआ सवाल उन लोगों ने किया और बहुत मजा आया। उसमें से एक सवाल उन्होंने किया था, आप एक बात बताएं कि ऑडियंस आखिर आपको क्यों सुने। तो पहला तो जवाब यही आया मन में, भाई ये तो ऑडियंस के ऊपर है, सुने या ना सुने मैं क्या कर सकता हूं। फिर एक ख्याल आया कि यूं ही चल के नहीं ये तर्जे सुखन आया है, पांव दबाए हैं बुजुर्गों के तो कुछ पाया है। तो जो भी आज थोड़ा बहुत गा रहा हूं अपने गुरुजनों की कृपा से है, आप लोगों की दुआएं हैं। तू नहीं है तेरी यादें हमें तड़पाती है, बेकरारी बनके हमें तड़पाती है। याद 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 बस याद रह जाती है, याद 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 बस याद रह जाती है। ओ तेरी याद, ओ तेरी याद, याद 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 बस याद रह जाती है, याद 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 बस याद। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा के आके बैठे हो पहली सफ में। पहली सफ में बैठे हुए सारे लोगों से पहले माफी मांग ले रहा हूं मैं, ये आपके लिए नहीं है, सब कुछ लोगों के लिए होता ही है। कहते कि चंद फेंके हुए सिक्कों से नहीं मिलता है, चंद फेंके हुए सिक्कों से नहीं मिलता है, और ये जो इल्म है ये दौलत से नहीं मिलता है। उसकी उम्मीद उसे तोड़ के रख देती है, सुख अगर बाप को बेटों से नहीं मिलता है। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा के आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने में, अभी तो शोहरत नहीं है, खामोश लब है झुकी है पलके, दिलों में उल्फत नहीं है, खामोश लब है झुकी है पलके, दिलों में उल्फत नहीं अभी तक। अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नहीं है, खामोश लब है झुकी है पलके, दिलों में उल्फत नहीं है।
दिनों आप लोगों का जो एक बड़ा पसंदीदा शेर रहा है, मैं बता दूं कि ये गजल मैंने पिछले साल किसी एक स्टेज पे गाया था। कम से कम 50 करोड़ लोगों ने इसको अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी लगाई थी। ये शेर शबीना आदिब जी की लिखी हुई है, बाकमाल लिखा है उन्होंने। जो खानदानी रईस है वो जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरम अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नहीं नहीं है झुकी है पलके दिलों में उल्फत नहीं नहीं उल्फत नहीं नहीं। खानदानी रईसों में एक नई दौलत वालों ने और सारे लोगों ने मिलकर मुझे ही नई दौलत वाला बना डाला। तो नई दौलत वाले मेरे से बड़े नाराज हुए उस वक्त कि आप तो खानदानी रईसों की तारीफें कर रहे हैं। तो इस गजल में एक शेर मैंने लिखा है और वो शेर सुने आप लोग। ये नई दौलत वालों की को थोड़ी सांत्वना देने के लिए है, लेकिन शेर अच्छा है। रईस लोगों के घर के बच्चे शेर इस गजल का
बमों की बरसात हो रही है, पबम प गम पनीदा बदम पग सरेर निजम ग सग पम बग सरेर की बरसात हो रही है, पुराने जावास सो रहे हैं, गुलाम दुनिया को कर रहा है, गुलाम दुनिया को कर रहा है, वो जिसकी ताकत नहीं नहीं है, वो शलम है चुकी है, दिलों में गुलफत नहीं सवरिया। किन किन लोगों ने सुना है? चले तो मैं अपने घर के जो हमारी अटरिया, कुछ लोगों ने सुना भी होगा, मेरा कुछ ने नहीं भी, तो एक नई सी चीज सुनाता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। तुमसे हमारी अरज यही है, बल मन जाओ पर दे बल मन जाओ रे, बल माना जाओ पर दे, हम तुम है भोले सैया जग है जुल्मी, प्रीत को पाप कहते अधर्मी, प्रीत को पाप कहते अधर्मी, हम तुम है भोले सैया और जग है जुल्मी, प्रीत को पाप कहते अधर्मी, जग से न कहियो ये बात आपस की रे, जग से न कहियो ये बात आपस की, जग सुनिए तो जुलम हो जाए, हमरी अटरिया पे आ जा रे सवरिया, देखा देखी बलम हो जाए, लोग जो हंसे पर लोग जो हंसे पर तुम नाहे हंसी हो, तुम हंसी है तो जुलम हो जाए, हमरे हटरे आपे अचारे सवरिया, देखा देखी बलम हो जाए, हमरे हटरे आपे अचारे सवरिया। नैनों में नहीं आए कोई
निस दिन मैं, निस दिन मैं पंक्ति है कि निस दिन मैं करूं तेरी ही पूजा और नैनों में नहीं आए कोई दूजा। मोरे सैया निस दिन मैं करूं तेरी तेरी पूजा, तेरी पूजा। निस दिन मैं करूं तेरी पूजा, नैनों में नहीं आए कोई दूजा, नैनों में नहीं आए कोई दूजा। मानो कसम, मानो कसम कर झूठ बोले हम, चढ़ती जवानी भस्म होए जाए। हमरी हटरे अपे आजारे सवरिया, देखा देखी बलम होए जाए। हमरी हटरे आखिरी पंक्ति और बिल्कुल जो जिंदगी की सच्चाई है, जब तक जवानी तब तक जमाना, चाहे जिसे जी भर के सताना। जब तक जवानी जब तक जब तक जवानी तब तक जमाना, चाहे जिसे जी भर के सताना, चाहे जिसे जी भर के सतालो। याद रखियो तब कोई न चाहे, जब ये जवानी खत्म हो जाए। अटरे अपे आजारे सवरिया, देखा देखी बलम होए जाए। हमरे अटरे अपे आजारे सवरिया, देखा देखी बलम होए जाए। हमरे अटरे अपे आजारे सवरिया, देखा देखी बलम होए जाए। सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है। रास्ता कितना भी मुश्किल हो सफर आसान लगता है, क्यों? सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। ज़ईफ माँ की दुआओं का ये असर निकला, ज़ईफ माँ कहते बूढ़ी माँ की दुआओं का ये असर निकला, ज़ईफ माँ की दुआओं का ये असर निकला।
ये कामयाबी मेरे रिश्त का सफर निकला। और जमाने भर की निगाहों ने उसे थाम लिया, जमाने भर की निगाहों ने उसे थाम लिया, जमाने भर की निगाहों ने उसे थाम लिया। जो अपनी माँ का कदम घर से चूम कर निकला। क्या क्या चीज़ें शहर आने के बाद याद आती हैं। कहते हैं कि ये शहर तमन्ना अमीरों की दुनिया, ये खुदगर्ज और बेज़मीरों की दुनिया, यहाँ सुख मुझे दो जहाँ का मिला है और मेरा गांव जाने कहाँ खो गया है। वो चौपाल वो आलम उदल के किस्से, वो गीतों की गंगा वो सावन के झूले, वो लुटता हुआ प्यार वो जिंदगानी है मेरे लिए भूली बिसरी कहानी। छलकती है आंखें ये दिल रो रहा है, मेरा गांव जाने कहाँ खो गया है। लौटता था मैं जब पाठशाला से घर, अपने हाथों से खाना खिलाती थी माँ। लौटता था मैं जब पाठशाला से घर, अपने हाथों से खाना खिलाती थी माँ। रात में अपनी मन का क्या चल तले, कब किया देख मुझको सुलाती थी माँ। सोच के एक बार जोरदार तालियां हो जाए फिर से सत्यम कुमार जी के लिए और हमारे गजल बैंड के लिए। और मुझे दिख रहा है कि हमारी दर्शक अब काफी मजा उठा रहे हैं आज की गजल नाइट का। तो इसी के साथ हमारी एक फरमाइश आई है आप में से ही किसी एक से कि एक बार हमारे शहर में आए, मेरे शहर में आए वाला एक बार गजल हो जाए। तो क्या आप चाहते हैं कि ये वाला गजल हो जाए? एक बार जोर से शोर मचा के बता दीजिए क्या बात है। शुरू करते हैं इसके बाद इसको पूरा कर लेता हूं। सबकी आंखों में आंसू छलक आए थे जब रवाना हुआ था मैं शहर के लिए। जब गांव से रवाना हुआ तो मेरे दोस्त यार पड़ोसियों की क्या हालत थी। सबकी आंखों में आंसू छलक आए थे जब रवाना हुआ था मैं शहर के लिए। कुछ ने मांगी दुआ ये कि मैं खुश रहूं, कुछ ने मंदिर में जाकर जलाए दिए। एक दिन मैं बनूंगा बड़ा गुदगुदाता रहा, गांव मेरा
याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। शहर आकर जो चीज सबसे ज्यादा याद आती है, माँ ये लिखती है हर बार खत में मुझे, लौट आ मेरे बेटे तुझे है कसम, तू गया जब से परदेश बेचैन हूँ, नींद आती नहीं भूख लगती है कम, कितना चाहा चंद शेर आप लोगों के लिए अर्ज कर रहा हूँ। मुंबई से हम लोग सब लोग आए हैं और पहली बार राजस्थान तो आना होता है लेकिन अलवर पहली बार आए हो, तो चंद शेर आप लोगों के लिए। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, आपके शहर की बात है कि आपके शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, और अभी कुछ देर पहले मैडम बता रही थी कि ठंड इतनी भी नहीं है। देखिए मैं बिना स्वेटर के बैठा हूँ तो इतना कॉन्फिडेंस तो है कि कुछ देर में आपको भी बिना स्वेटर के कर सकता हूँ। तो जितने लोग बैठे हैं अब सुनने वाले हैं और अच्छा सुनने वाले हैं, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हुई है। शेर है कि तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे, जो डूबना हो तो इतने सुकून से डूबो के आस पास के लहरों को भी पता ना लगे, कैसी चली अब के हवा तेरे शहर में, कैसी चली अब के हवा इस अलवर शहर में, कैसी चली अब के हवा तेरे शहर में, बंदे भी हो गए हैं खुदा तेरे शहर में। शहर
सरेगा बदा पदा बरेगा दसगा पदा एक दिन तुझको भी मेरे